नमस्कार। आज के इस सत्याग्रह वार्ता में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है और इस शख्सियत के बारे में अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे लेख मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप इनके बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेंजिन साहब की, जिनके बारे में अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसने इनके कामों के बारे में बताया है। और ये जो सिलसिला है बात का, इसके जरिए हम सिर्फ तेंजिन साहब के काम को ही नहीं बल्कि तिब्बत से संबंधित हर प्रकार के मुद्दों को और वहाँ पे जो भी परेशानियाँ हैं उनके बारे में, इनके खुद की निजी लाइफ के बारे में तथा जो भी अभी तक का इनका संघर्ष है उसके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे पास एक मौका है कि हम तेंजिन साहब से खुद रूबरू होके उनके बारे में ज़्यादा जानें, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा दर्शकों को। एक तो ये कि तेंजिन साहब जो हैं वो एक बहुत ही उम्दा पोएट हैं, राइटर हैं और एक्टिविस्ट हैं। इनकी कविताएं बड़ी सशक्त हैं जो मन में एक बेचैनी पैदा करती हैं और प्रेरणा देती हैं कि आप भी उस दर्द को समझें और उस वेदना को समझ के लोगों को समझें, तिब्बत के लोगों की आवाज को समझें। तो वक्त जाया ना करते हुए मैं तेंजिन साहब को न्योता देना चाहूँगा कि वो हम लोग के साथ आए। और सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, वरना सवाल क्या, मैं ये जानना चाहूँगा कि तेंजिन साहब का खुद का एक संक्षिप्त परिचय वो अपने शब्दों में दें, हम लोगों को बताएं कि तेंजिन हैं कौन, उनका काम क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है और तिब्बत क्या है। इसके जरिए हम शुरुआत करना चाहते हैं ताकि जो ढेर सारे दर्शक हैं उन्हें ये समझ सकें कि तिब्बत वाकई में क्या है। मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा कि हम सबके लिए तिब्बत का वही अर्थ है, ज्यादातर लोगों के लिए भारत के, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए है। और इस हम बहुत कम ही, जब तक किसी ऐसे व्यक्ति से हमारा ताल्लुक नहीं होता है जो तिब्बत मूवमेंट में जुड़ा हुआ है और जो उसके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, तब तक हम उस नज़र से, उस चश्मे से इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे तिब्बत के जो आंदोलन है उसको हम नहीं देख पाते हैं। और ये आज मौका है कि हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाज को और को तेंजिन साहब के माध्यम से समझें। तो मैं स्वागत करता हूँ तेंजिन साहब का और उनसे पूछता हूँ, सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा कि वो अपने बारे में और अपने काम के बारे में हम सब लोगों को बताएं। जी तेंजिन जी। नमस्ते। तो मैं अभी यहाँ हूँ धर्मशाला में। जी ये हिमाचल प्रदेश की एक छोटा शहर है धर्मशाला। जी यहाँ उपस्थित है हमारा परम पावन दलाई लामा जी। जी वो कल ही उन उनको कोविशील्ड की दूसरी वैक्सीनेशन उन्होंने कल ही किया था। तो जी उससे अभी भारत की दूसरी क्षेत्र से हिसाब से हिमाचल में अभी ये संक्रमण वो जो मात्रा जो वो थोड़ा कम है और वैसे शांति वातावरण और हिमाचल में अभी बहुत अच्छा मौसम भी है। लेकिन डर ये रहता है कि पूरे भारत में जिस तरह से ये संक्रमित हुए हैं महामारी की, उसकी हम एक तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द 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 से जल्द भारत से निकल जाए और खत्म हो जाए। ये चीन की वायरस जो है पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है और इस माहौल में हम आज तिब्बत के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है तेंजिन सुंडू। मैं एक भारत में पैदा हुआ तिब्बती लेखक हूँ और मैं कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, किताब छापता हूँ, मैं खुद छिपाता हूँ और खुद बिक्री करता हूँ और उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तिब्बती आजादी के लिए काम करता हूँ। पिछले
28 सालों से, जब से कॉलेज गया हूँ तब से शुरू किया और अभी तक मैं इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटा भाग रहता है एक एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि एक बड़ी मुहिम तिब्बती संघर्ष की मुहिम जो चल रहे हैं, जिसमें तिब्बती निर्वासित सरकार की एक योगदान रहता है, परम पूज्य दलाई लामा एक नेतृत्व की एक एक अलग भाग रहता है, और भारत जैसे कई देशों तिब्बती संघर्ष को मदद करता है। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक ऐसा ऐसा वॉलंटियर ऐसा एक काम करता हूँ। मैं अभी धर्मशाला में एक किराए के रूम में रह के यहीं से काम काम कर रहा हूँ, और ज्यादातर मेरे काम में ये रहता है कि ये जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें कि संघर्ष के भीतर से, ताकि लोगों के मन में उम्मीद बनाए रखना और उस उम्मीद को बनाए रखना और जागरूकता बढ़ते रहने के लिए लोगों के बीच में इस संघर्ष के अलग अलग मुद्दों पर लोगों में जागरूकता करना, ताकि लोग उस उम्मीद जो है वो बनाए रखना, उसकी काम ज्यादा होता है। और उसमें थोड़ा काम ये भी रहता है कि जब भी चाइनीज की कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भारत आते हैं, तब हम बाहर जाकर जुलूस निकालते हैं। और तो ये जुलूस निकालना और ये एक दुनिया 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 को ये बताने की कोशिश कि हम अभी भी चीन के गुलाम हैं और हम आजादी चाहते हैं, ये एक मैसेज करना, ये बाहर बाहर में हमारे संघर्ष के बाहर लोगों को ये बोलने में क्या है कि बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते हैं, खास करके भारत में आज चीन की इतने दबाव आ रहे हैं और गलवान घाटी में जो जो हुआ उसे भारत में बहुत एक खुन्नस जैसे कुछ आए हैं, तो उसकी मद्देनजर रखते हुए भी लोगों के बीच में ये बताना कि चीन की तिब्बत को कब्जा करने के बाद आज भारत की सीमाओं पे पहुंचे हैं और इस तरह से भारत को पर दबाव डाल रहे हैं, और ये चीन की ये विस्तारवादी एक सोच है, उनकी ये एक नीति है, उसको किसी तरह से नकारना, इससे पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने नाजायज फायदा उठाया उनके पैसों से, उनकी बिजनेस से भी। तो ये एक लोगों में बताना और जागरूक करना, ये एक दूसरा एक कार्यकर्ता होने के नाते दूसरे काम है। अतिन जी साहब, इसी क्रम में मैं बस एक बात पूछना चाहूंगा कि इन सब चीजों की शुरुआत, मतलब बहुत सारे दर्शक पहली बार इन सब चीजों से जुड़े होंगे, जिन्हें ये इसका इतिहास जानने में रुचि होगी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये इस तरह का जो दोनों लोगों के बीच में इस तरह का संघर्ष चल रहा है उसका जनक क्या था, वो किस तरीके से चीजें आईं और क्यों इतना साल 1950 से लेकर के अभी तक ये चीजें चल रही हैं, इस तरह की टेंशन क्यों है? जी, तो अब इंडिया में आजकल जहां भी मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं कभी बस में, कभी रेलगाड़ी में, जहां भी जाता हूँ, लोग मेरे चेहरे देखते ही ए चिंग चोंग पिंग पोंग ऐसे कुछ बोल लेता है, वो मजाक से। कोई कोई ऐसा नहीं है कि उसको खास करके ठेस पहुंचने की ऐसा ऐसे सोच नहीं है, बस इंडिया में एक एक ऐसी सोच रखा है कि मेन स्ट्रीम इंडियन जो है वही इंडिया है, और हिमालय से आए हुए जैसे लद्दाख से हैं, नॉर्थ ईस्ट की हमारे भारतीय भाई भाई बहनों हैं, उनको ज्यादा हिंदुस्तानी या इंडियन की ये सोच अभी भी जमे नहीं है भारत में। तो इसीलिए मेरे मेरे जैसे चेहरे अक्सर इंडिया में चिंग चोंग, खास करके वो चाइनीज बोले जाते, तो कितना मन में कितना लगता है। तो मैं मजाक में वापस बोलता हूँ कि क्या मैंने आपको पाकिस्तानी बोला? नहीं बोला ना, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं है। तो एक एक मदभेद जैसा कुछ हो जाता है। हम है तिब्बती जिन्होंने अपने देश की आजादी खोया, चीन ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, 70 साल से कब्जा किया है, और हम अपने ना सिर्फ अपने देश देश से अपने जड़े उखड़ के
कई और देश आए हैं। अपने देश वापस जा सके, ऐसा हमारा कोशिश सोच है। इसको पर फिर जैसे जैसे चोट के ऊपर मिर्ची लगाना, लोगों को ऐसे बोल दे के तुम चाइनीज हो क्या, ऐसा। तो बोलने का मतलब ये है कि भारत में अभी भी तिब्बत के बारे में, भारत की हिमालय की सीमाओं के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, और इस जानकारी को बढ़ाना मेरा मेन मकसद है। और मैं जगह जगह जाके लेक्चर्स देता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, मैं खुद लेख लिखता हूँ और कहानी लिखता हूँ और न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये पूरा जो कहानी जो है वो वहां से शुरू हुआ, जब से चीन की तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, और जब चीन की तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रहे थे तब भारत सही, ने मैं तब इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये आप डेट्स भी थोड़ा बताते रहे सन, तो थोड़ा अच्छा होगा कि उन पहले हाँ, सबसे पहले कब्जा। हाँ मैं आई रहा हूँ। तो ये 1949 से शुरू हुआ, 1949 को जब चीन में कम्युनिज्म की लहर चली और कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में झगड़ा हुआ और कम्युनिस्ट जीत गए, और माओ ज़ेडुंग ने चीन चीन में नया सरकार घोषित कर लिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1949 में नाइन में हुआ। और जब यह हुआ, चीन का सबसे पहला मकसद ये था कि चीन की आसपास जो पड़ोसी देश जो है उनको कब्जा करके चीन की एरिया जो है वो बड़ा करना। और उन्होंने तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, मंगोलिया और मंचूरिया, ऐसे चार देशों के ऊपर कब्जा करके चीन की हिस्सा बना दिया। और जब ये कर रहे थे तो भारत ने तब ये सोचा था कि अब चीन का ताकत जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो नया सरकार है, और तिब्बत के पास तो ना कोई सेना की शक्ति है, ना उनके पास कोई पैसों की शक्ति है, ना उनकी अंतरराष्ट्रीय कोई समझौता से या कोई अंतरराष्ट्रीय कोई कॉन्टेक्ट की ऐसा ताकत है। तो भारत ने तब ये सोचा था कि चीन चीन से दोस्ती करके और तिब्बत की मुद्दा जो है वो साइड में छोड़ना, ऐसा सोचा था। इसीलिए वो हिंदी चीनी भाई भाई जो है वो वहां से शुरू हुआ। तो ये शुरुआत जो है वो एक गलत कदम से हुआ। तो तब से ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ। और उससे क्या हो गया कि भारत और तिब्बत के बीच में जो रिश्ता पहले थे, जिस तरीके से तिब्बत में भारत का दूतावास होता था, तिब्बत के दूतावास भारत में कैलिमपोंग में तिब्बती सरकार की एक ये ऑफिस होता था, और भारत का तो तीन तीन तिब्बत में तीन अलग जगहों में ऐसा होते थे। और ये सब, और ये तो सिर्फ ऑफिशियल लिंक था, उससे ज्यादा क्या थे कि हिमालय पूरे क्षेत्र में लद्दाख से लाहौल, स्पीति, किन्नौर, गढ़वाल, ये कुमाऊं, नेपाल और ये सिक्किम, भूटान, अरुणाचल से लेकर पूरे हिमालय क्षेत्र में तिब्बत और हिमालय क्षेत्र के लोगों के बीच में ऐसा हमारा बहुत सुंदर रिश्ता था। वहाँ शादियों होते थे, बिजनेस होते थे, और तिब्बत के लोग बोध गया, बनारस, नालंदा तक पूजा के पाठ के लिए आते थे, और भारतीय कोई रोक टोक, बिना कोई रोक टोक हिमालय पार करके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना, वहां के परिक्रमा करना, और साधुओं तो वहां महीनों महीनों वहीं रह जाते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई किसी को पर्चा पेपर, ऐसा ऐसा हमारा रिश्ता था, बिल्कुल भाईचारा का रिश्ता था। वो टूट गए, और आज भी 70 साल हो गए ये पूरी हिमालय की क्षेत्र में रिश्ता था वो बंद हो गया। आज चीन की सेना भारत की सीमा में आके और भारत की सीमा में घुस के ये गलवान घाटी में ये जो जानलेवा ये आक्रमण हुआ, ये सब हुआ।
अब बहुत कुछ बदल गए हैं। तो ये सब तब से शुरू हुआ और अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है, जहां आज पूरा तिब्बत के क्षेत्र में चीन की सेना है, चीन चीन की सरकार की वहां नीति चल रहे हैं, और आज भी चीन की गुलाम में हमारे लोग 60 लाख 6 मिलियन तिब्बतन आज भी चीन के गुलाम में है, और हम अभी भी तिब्बत में स्वतंत्र की लड़ाई जो चल रही है, और हमारे मांगे हमेशा ये रहता है कि परम पूज्य दलाई लामा जी आजाद होके तिब्बत आए और तिब्बत चीन की गुलाम से मुक्त हो जाए। और रिसेंटली हाल ही कुछ 10 सालों में तिब्बत में ही वो स्वतंत्र की लड़ाई में 155 तिब्बतियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो भी अपने आप जला डाल के, आत्मदाह करके, अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। ऐसा लहर चल रही है। और मेन चीन का काम ये होता है कि लोगों के ऊपर दबाव डाल के और तिब्बत में हर शख्स के पीछे एक नंबर लगा के, अगर एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव तक जाता हो तो भी उसको पूरी रजिस्ट्रेशन सर्वेलेंस करके, कि ताकि वो आदमी कहीं गुम ना हो जाए और कहीं भाग ना जाए, और जो जो करता है, जो कहता है, जो जिन जिन लोगों से मिले, ऐसे फॉलो करके ऐसा सर्वेलेंस करता है। और इस तरीके से चीन ने तिब्बत के ऊपर गुलाम बना रखा है। और लेकिन उनकी मेन मकसद ये है कि तिब्बत से जितने हो सके माइनिंग करके तिब्बत से सोना लेके जाते हैं, खास करके लिथियम और रेयर अर्थ, जो आजकल कोई भी टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होता है रेयर अर्थ। और चीन खुद बताता है पूरी दुनिया को कि रेयर अर्थ और लिथियम की भारी मात्रा में है और पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा उनके पास है, और वो दूसरे देशों से ट्रेड करता है, दूसरे देशों को बेच के उससे काम करता है, लेकिन उन्होंने वो सब तिब्बत से निकाला है। और क्योंकि चीन को तिब्बतियों से कोई मतलब नहीं है, उनका मेन मतलब तिब्बत से वो जो माइनिंग कर सकते हैं, और खास करके पानी, पूरी एशिया के क्षेत्र में से सबसे ज्यादा नदियां और खास करके पीने वाले पानी जो है वो तिब्बत से आके, पाकिस्तान से होके, नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बर्मा में, भूटान में, और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम और चाइना तक करीब 150 करोड़ लोगों को पानी तिब्बत से आते हैं। तो ये एक ताकत होता है चीन को, तो उस ताकत को बनाए रखना, और इसीलिए हमेशा उन्होंने ऐसे ही ताकत पकड़े हैं। तो इसे वहां से शुरू हुआ, 1949 में शुरू हुआ, आज 70 साल हो गए हैं, आज भी तिब्बत चीन के गुलाम है। और इस तरीके से चीन ने न सिर्फ तिब्बत के ऊपर, आज नेपाल को करीब करीब उन्होंने गुलाम बना रखा है, और आज भारत के ऊपर ये दबाव बने रखे। जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा फ्री तिब्बत मूवमेंट चल रहा है, इस पूरे ये तो आपका नजरिया है, आपने अपने हिसाब से बताया, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या तिब्बत के लोगों का इस पूरे फ्री मूवमेंट में कितनी प्रतिभागिता है, और उनका उनकी समझ क्या है इस मूवमेंट में, क्या वो भी वही सोचते हैं कि आपकी सोच के समानांतर ही उनकी सोच है या कुछ अलग है, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, तो तिब्बती संघर्ष जो है, जब से ये चीन का आक्रमण शुरू हुआ सन 1949 में, 1949 और 1950 से जब से ये शुरू हुआ, पहले तिब्बती लोगों का विद्रोह की एक एक मुहिम चला, और विद्रोह की मुहिम इस तरह से चले, जहां जहां लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने क्षेत्र से चीन की जवाब दे रहे थे। क्योंकि चीन जब पहले तिब्बत में घुस के आए, तब
वो जगह जगह में कब्जा कर रहे थे, और मंदिरों की या खास कोई गांव में है गांव की मुखिया को पकड़ के लेके जाना। तो हर गांव में हर क्षेत्र में अलग अलग जवाब दे रहे थे, और तिब्बती लोगों में ये एक राजनीतिक सोच और समझ नहीं थे कि चीन पूरी तिब्बत को कब्जा करना चाहते थे, और ऐसा लोगों में समझ में नहीं आए। तो इसीलिए हर क्षेत्र से अलग अलग जवाब दे रहे थे, और जब लोगों को ये समझ में आए कि उनका मेन मकसद तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा करना है, और परम पावन दलाई लामा जी को भी उन बंदी बनाने की सोच है, तो ये विद्रोह जो है वो बढ़ते गए, और खास करके छुशी गांडुक नाम का लोगों के बीच में जो घुड़सवार कर रहे थे, जो अपने घर से जितने हो सके हथियार पकड़ के चीन को जवाब दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो एक मुहिम चल रहे थे। तो तभी तिब्बत लोगों का सोच ये था कि हम किसी तरह से चीन को रोकना है और अपने देश की आजादी को बनाए रखना है, तब ये एक ऐसा सोच था। उसके बाद परम पावन दलाई लामा जी भारत को और यूएस अमेरिका को और ब्रिटानिया को और संयुक्त राष्ट्र को सब लोगों को एक गुजारिश की कि किसी तरह से हमें मदद कीजिए, और चीन की सेना शक्ति बहुत बड़ा है तिब्बत की, तो कुछ पूरे तिब्बत में तब बोले जाते थे कि करीब 6,000 से ज्यादा सेना नहीं थे, और तो किसी तरह से चीन को सेना की शक्ति से हम पराजित नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे देशों से मदद मांगा, लेकिन नहीं हुआ, सब देशों ने इनकार कर दिया दलाई लामा जी तिब्बती लोगों को समर्थन करने में। तो इसीलिए हमें किसी तरह से एक चीन से बातचीत करके वो टालने की कोशिश हुआ था तब, वो 51 से लेकर 59 तक। तो और इसके बीच में ये भी था कि परम पावन दलाई लामा जी खुद चाइना गए, माओत्सेतोंग से बातचीत भी हुआ, और माओत्सेतोंग ने परम पावन दलाई लामा जी को ये भी आश्वासन दिया था कि तिब्बत में सिर्फ एक पीसफुल लिबरेशन करेंगे, और तिब्बत को सिर्फ तिब्बत की चीन के कब्जा चीन की हिस्सा बनाना है, लेकिन तिब्बत में जिस तरीके से लोगों की संस्कृति की लोगों की हाल चाल जैसे भी है वैसे वैसे रखेंगे, ऐसे आश्वासन दिया था। लेकिन वो सालों सालों के बाद वो कड़ी कठोर शासन करने की कोशिश की, और इस तरीके से किसी तरह से परम पावन जी को तिब्बत छोड़ के भारत आना पड़ा, और तब से परम पावन जी भारत आने के बाद खुद ये घोषित कर दी कि चीन ने जिस तरीके से तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और तिब्बत को चीन की हिस्सा बनाने की कोशिश की, उसको बिल्कुल नकारा, और ये कहा कि आज से हम तिब्बत की आजादी की मांग करेंगे। ऐसा आ, 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 भारत आने के बाद ऐसा किया है। लेकिन अब भारत के तब की नीति यह था कि चीन से एक रिश्ता बना रखा था, लेकिन तिब्बती लोग और खास करके दलाई लामा जी और करीब 80,000 तिब्बती तिब्बत से भाग के भारत में शरण लिए थे, तब उनका ये था कि ये एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इन लोगों को शरण देना और इन लोगों के बच्चों को खास करके शिक्षा देना और उनकी देखभाल करना, ये एक एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक ऐसा नीति बनाया था। लेकिन चीन की तरफ जिस तरीके से नीति बने थे पहले, और चीन से दोस्ती करना, उसको बदलाव नहीं हुआ, वो बनाए रखे। तो भारत एक बहुत ही मुश्किल टाइट रोप बैलेंस कर रहे थे, और उसके बाद ये हुआ कि 59 परम पावन जी यहाँ भारत में आए, और 62 में चीन ने अरुणाचल के ऊपर वार किया, आक्रमण किया, और भारत बुरी तरह से हार गए।
अब वहां से भारत ने एक नया लेसन ये देखा कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। चीन हमसे दोस्ती, हम चीन से दोस्ती कर ही रहे थे और तिब्बत को, तिब्बत की मसला छोड़कर भी हम चीन से दोस्ती कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अब लद्दाख के ऊपर और अटैक किया और नाचल के ऊपर अटैक किया, और ये जो है वो करते गए और आज तक वो बंद नहीं हुआ है। और इसलिए हम तिब्बती पहले से शुरुआत से बोले थे चीन विश्वासघात है, चीन के ऊपर विश्वास मत करो मत करो मत करो, हम वो कह रहे थे। और पिछले साल 2020 में चीन ने ये साबित कर ही दिया पूरे भारत को, जब भारत ये महामारी की संक्रमण इतना बढ़ के इतना मुश्किल स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे थे, तब चीन ने उसी वक्त भारत में घुसपैठ करके हमारे जवानों की जान ली और कईयों को दर्दनाक ऐसा मौत के घाट उतारा। तो ये जो है भारत कभी भूलेंगे नहीं। और क्योंकि मैं एक भारत में पैदा हुआ हूँ और खुद एक तिब्बती भी हूँ और एक भारतीय भी हूँ, तो मुझे हमेशा डबल ड्यूटी लगता है, होने बिल्कुल बिल्कुल के नाते और एक भारतीय होने के नाते। तो इस जी तरीके से मैं ये तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा के बारे में मैं हमेशा काम करते आया हूँ। रंजन साहब, 12 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक आपने एक पदयात्रा निकाली है दिल्ली के लिए। मैं पूछना चाहूंगा कि इस पदयात्रा के पीछे का क्या उद्देश्य था और क्या आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाए, कितना प्रभाव छोड़ पाए इस पदयात्रा से? जी प्रभाव तो बहुत बहुत पड़ा मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जहां जहां मैं पदयात्रा पे गया हूँ, जहां जहां से लोगों को मिला हूँ, रास्तों में जो आम आदमी ही है, लोग, कोई मैकेनिक्स हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहे हैं, कोई रास्ते पे पैदल जा रहे हैं थोड़ा आगे गांव में, या कोई सफर कर रहे हैं बसों में और कहीं रुके हैं चाय के लिए खाने के लिए, जहां जहां लोग मैं मिला हूँ। ये पदयात्रा जो है मैं धर्मशाला से शुरू किया फरवरी की 12 तारीख से, और पूरा महीने चलता रहा, पूरा फरवरी, और मार्च की 10 तारीख को मैं दिल्ली तक तक पहुंचा। इन जी पूरी 30 दिनों में मैं हजारों हजारों लोगों को मिला, और उसमें मैंने ये ध्यान हुआ कि अब भारतीय वासियों के मन में पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, अब भारतीय वासियों के लोगों में अब दुश्मन जो है वो चाइना है। वो पाकिस्तान मिट गए हैं, अब चाइना उभर के आए हैं। अब भारतीय वासियों में ये समझ आए कि पाकिस्तान जो जो कर रहे थे वो टेररिज्म, वो खुद कर नहीं रहे थे और चाइना उनको उंगली करके ऐसे कर रहे थे, और अब ये समझ आए कि चाइना ही हमारा दुश्मन है। जी और जहां जहां मैं पदयात्रा से मैं लोगों से मिला, खास करके मीडिया वालों से मिला, बातचीत कर रहे थे, कई लोगों को अभी भी तिब्बत के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा एक शख्स नहीं है जिनको चीन के बारे में पता नहीं, अब ये जान गए हैं। और ये एक बहुत ही कम समय में चीन चीन जिस तरीके से भारत एक नजरे से देख रहे थे कि चीन की पैसे से भारत में नए तरीके तरीका करेंगे, भारत में विकास हो जाएंगे, एक ऐसा दृष्टिकोण दिए थे सरकार ने भारत जी सरकार ने दे रहे थे कि हम चाइना से पैसे आएंगे, हम भारत में ऐसा इंडस्ट्रीज ऐसा फैक्ट्रीज खोलेंगे। लेकिन पिछले साल जो गलवान घाटी में जो हादसा हुआ उससे अब हर भारतीय वासियों में ये मन में अब जान गए कि चीन कभी भारत को मदद नहीं करेंगे और चीन हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। और आज भी आज आज के दिन में जब पूरी भारत में संक्रमित महामारी के संक्रमित होके इतने दहशत हो रहे हैं, इतने दहशत फैले हैं, इतना डर पैदा हुए हैं, इतना जूझ रहे हैं, आज भी चीन उनका 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 नीति देखो,
उन्होंने अपने एयरलाइंस भारत में उतारने से मना कर दिया है, कोई भी एयरलाइंस नहीं जाएंगे, लेकिन बोल तो रहे थे कि भारत को सपोर्ट करके कुछ कुछ सामान भेजेंगे, लेकिन एयरलाइंस बंद कर लिए हैं तो कैसे 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 मदद करेंगे। तो अब हम ये एक नया समझ आ गए भारत में। तो मेरा मेन मकसद ये था मार्च की कि आज तक भारत में ये एक नीति है, वन चाइना पॉलिसी एक नीति है कि पूरी चाइना और चाइना के कब्जे किए हुए देशों लोगों को पूरा साथ में मिला के एक चाइना को मानना। मैं ये कह रहा हूं कि ये गलत नीति है। चीन को चीन और चीन की कब्जा किए हुए देशों को कब्जा किए हुए देश करके मानना चाहिए। तो मेरा मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है तो तीसरे देश जो है जो देख रहे हैं उसका उसका एक 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 सोच रहना चाहिए, उसका एक एक एथिक्स रहना चाहिए कि हो सके तो उस कब्जा किए हुए देशों को मदद करके उसके साथ खड़े होके जवाब देना। अगर वो नहीं होता है तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि कब्जा करने वालों को सपोर्ट दे के और उसके बात मानना। और ये आज ये भारत से लेकर पूरी दुनिया यही कर रहे हैं, सब चीन के साथ खड़े हैं और तिब्बत को कब्जे के हुए देशों नहीं मान रहे हैं, तिब्बत को आज भी चीन के हिस्सा मान रहे हैं। ये गलत है, ये जो भी करता है ये गलत है। तो मैं भारत सरकार और भारतवासियों को ये गुजारिश कर रहा हूं कि पैदल मार्च चल के कि तिब्बत आज चीन के गुलाम में है और जब जब भारत अपने देश की आजादी की काम कर रहे थे तब 1942, 43, 47 तक, तब भारत भी ये चाहते थे कि कोई भी दुनिया में कोई भी देश है वो भारत के साथ में खड़े होके भारत को सपोर्ट करना, ना कि अंग्रेजों की गुलाम, है ना। तो ये मेन मकसद ये था और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक चीन नीति को बदलना है और ये अगर बदले तो भारत चीन को डील करने में एक नया ताकत मिलेगा। और आज अगर वन चाइना पॉलिसी को नकारता है तो भारत को ये ताकत मिलेगा कि चीन को देखते ही चीन और उनकी कब्जा किए हुए देशों को, और वो कब्जा किए हुए देश जो है वो छोटा मोटा नहीं है, चीन की 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से 60% कब्जा किए हुए देश हैं। अगर ये हम चीन को प्रश्न कर सकते हैं तो भारत की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। हम पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली चीन को ऐसा जवाब दे सकते हैं कि हम आगे से बंदूकें दिखाना नहीं पड़ेंगे। जी साहब, मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ और भी दर्शक हैं, वो अपने सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, आप प्रवीण जी के मन में कुछ सवाल है वो आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। जी हाँ, मैं ये प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते, कि आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी लखनऊ में जब आप आए थे। नमस्ते। तो जो ये आप कह रहे हैं कि मतलब वर्ल्ड में कोई इंडिया भी और दुनिया के और भी देश तिब्बत के साथ स्टैंड नहीं कर रहे हैं और चाइना से, भले वो इस चीज़ को थ्योरेटिकली गलत कहते हैं लेकिन कोई डिप्लोमेटिक ऐसा एक्शन नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि इसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि जो है दुनिया एक पावर डायनामिक से चल रही है और वो देखती है कि चाइना के साथ उसके क्या संबंध हैं और प्रॉफिट लॉस पर ही बेस्ड है सारी। तो अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो तिब्बती हैं जो इंडिया में रह रहे हैं या शायद तिब्बत में भी रह रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा बड़ा फोरम तिब्बत का, ऑल ओवर वर्ल्ड जो तिब्बती रह रहे हैं, तो इतना बड़ा फोरम तैयार हो रहा है जो कि डिप्लोमेट्स पे प्रेशर डाल सके। मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे इसराइल, तो यहूदियों की संख्या बहुत कम थी लेकिन वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने, क्योंकि वो पूरी बिजनेस लॉबी है उनकी अमेरिका में,
इसलिए अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, जबकि इसराइल एक बहुत छोटा सा कंट्री है। तो उसी तरीके से अगर तिब्बतियंस भी कुछ इस तरीके से उनकी एक स्टैंडिंग हो कि बड़े देश उनको डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करें, सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं, एक मॉरल ग्राउंड पे इन्हें सपोर्ट करें। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले, शायद साल भर पहले, दलाई लामा जी ने कहा था कि चाइना की वेल्थ पर तिब्बतियंस को कैपिटलाइज करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा तो लगा कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो झगड़ा छोड़ करके वो एक चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तिब्बत जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना की जो वेल्थ है उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये मेरे दो प्रश्न थे, मैं ये जानना चाहता हूँ इस पर आपके क्या व्यूज हैं। थैंक यू जी। जी ठीक है जी, आपका प्रश्नों में दो भाग है। तो पहले वाला तो ये है कि तिब्बत के बाहर इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, यूरोप, अमेरिका, पूरा मिला के करीब 1.5 लाख तिब्बतियों हैं, 1.5 लाख, और 1,50,000 उतना है। उनमें से करीब 70-80 हजार तिब्बती आज भी भारत में है, और बाकी जो है नेपाल, भूटान, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके बांधे हुए हैं अलग अलग जगहों में। और ये पहली बार है कि करीब 70-80 हजार तिब्बती आज दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं और वहां की नागरिकता भी बन गए हैं, और उसे एक नया ताकत मिल रहे हैं कि वहां के सिटीजन बन के उन्हीं देशों में तिब्बत के मुद्दा उठाने की नया ताकत मिले हैं। वो पहली बार है, और तिब्बत की पूरी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तिब्बती लोग पूरी दुनिया में इस तरह से फैले हैं, कि तिब्बती लोग पहले से ही हिमालय के ऊपर, हिमालय के अंदर, हमेशा तिब्बत अंदर ही रहे, उसी तिब्बत के बाहर कभी गए नहीं, और ये आज पहली बार है इस तरह से हुआ है। तो उसे एक एक नया ताकत है, भले वो ये जो ताकत जो है वो सिर्फ 50-60 साल में नए बने हैं, और ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल पावर जो है वो हमेशा आर्थिक व्यवस्था बढ़ने से ही होता है, और तिब्बती लोगों के ये आर्थिक व्यवस्था उस तरीके से बड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है। आज भी तिब्बती लोग अगर यूरोप, अमेरिका में है, अभी भी सर्विस इंडस्ट्रीज में ही है, प्रोप्राइटरशिप में आज भी ज्यादा नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर सर्विस में है। तो हमारे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक शक्ति जो है उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक खास एक बात यह है तिब्बती लोगों का कि जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म को स्टडी किया और बुद्धिज्म की पूरी संस्कृति हमने बना रखा पिछले करीब 2000 सालों में, ये जो है एक एक नया ताकत है जो किसी भी दुनिया में नहीं है, या चाइना या इंडिया या कोई भी बुद्धिस्ट कंट्री उतनी बुद्धिज्म की स्कॉलरशिप जिस तरीके से तिब्बती लोगों ने पकड़ के रखा है वो किसी दुनिया में नहीं है, वो खास करके तिब्बती लोगों, खास करके क्योंकि हमें, हमारे लोगों ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी से जितने शिक्षा ले पाए वो पूरा तिब्बती भाषा में अनुवाद किए, हजारों साल उसी में लगे रखे और बनाए रखे हैं, और वो आज हम हिंदी संस्कृत में वापस अनुवाद करके भारत को लौटा रहे हैं। तो ये एक नया ताकत है, और उसे अब बुद्धिज्म में ये है कि ये एक सिर्फ स्कॉलरशिप और एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक संस्कृति भी है, ये एक सोच भी है, वो एक वे ऑफ लाइफ भी है, और उसे ये होता है कि आप जहां भी रहे, भले आप जेल में रहें, आप तिब्बत में गुलाम में रहे हैं, या कोई फॉरेन कंट्री में, या इंडिया में, किसी तरह में है, बुद्धिज्म से एक वे ऑफ लाइफ से ये होता है कि इन्हीं लोग अपने जिंदगी में किसी तरह से खुशहाली, शांति बनाए रख सकते हैं। ये बिल्कुल नया
सोच और ताकत है, ये एक ताकत है जो अभी उसको उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते पैसों में और परमाणु शक्ति में, ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एक नैतिक प्रैक्टिस है। उसे ज्यादा डिप्लोमेटिक चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां भी तिब्बती है वो अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। ये एक नया ताकत है, ये एक एक आजादी की नया रूप भी है। अब दूसरी प्रश्न जो आप परम पावन दलाई लामा जी की बातों से आप प्रश्न कर रहे हैं, तो परम पावन जी का सोच ये था कि अभी तक यही कह रहे थे पिछले करीब 30-40 सालों से कि इतिहास में भले तिब्बत आजाद देश थे, लेकिन भविष्य में अगर चीन तिब्बती लोगों को पूरी तिब्बती क्षेत्र में एक एक सेल्फ गवर्नेंस की एक ऐसा ऑटोनॉमी देता है, और वो भी जेन्युइन ऑटोनॉमी देता है, तो हम चीन की हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। ऐसा परम पावन ने ऐसा एक एक घोषित किए हैं और ऐसा एक एक प्रपोजल रखे हैं जो आज तक चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसको नकारते रहे, बोले कि ये ऑटोनॉमी की मांग और सोच आजादी ही है, उन्होंने ऐसा कहा। तो लेकिन ये एक एग्जाइल गवर्नमेंट में हमारा निर्वासित सरकार है, इंडिया में धर्मशाला में निर्वासित सरकार है, सरकार की पॉलिसी भी वही बने रखें। इसीलिए अक्सर हमको ऐसे पूछे जाते हैं कि क्योंकि हम तो मैं तो आजादी की ही बात करता हूं, तो हमको अक्सर ये पूछे जाते हैं कि आपकी सरकार ऑटोनॉमी की बात करते हैं और आप खुद आजादी की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे सरकार इंडिया में भारत में ही स्थित है, और हमारे नीति जो है निर्वासित सरकार की नीति जो है वो भारत सरकार की नीति से मिली जुली होना चाहिए जी सर। और आज भी भारत, क्योंकि भारत तिब्बत को चीन के हिस्सा मांगते हैं, तो ऑफिशियली हमारे एग्जाइल गवर्नमेंट किसी तरह से तिब्बत की आजादी की मांग नहीं कर सकते। सर मैं आपको थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी भले हम आजाद देशों में जैसे इंडिया में या यूरोप कहीं भी है, और खास करके तिब्बत के अंदर लोगों में उनकी मेन ये मांग ये था, खास करके ये आत्मदाह करने वालों का ये कहना था, उनको उनका ये दो ही मांग थे, एक उनको परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत वापस लौट आना चाहिए, उनकी दूसरी मांग ये है कि तिब्बत की आजादी की मांग, ऐसा दो मांग कह रहे हैं, तो उसको मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ जी। अब हम लोग के साथ एक सुमित मावी साहब भी हैं, वो बहुत देर से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करें अपने आप को और प्रश्न पूछें। हाय जी, मैं तेंजिन से, क्योंकि अभी समय भी देख रहा हूँ कि थोड़ा शायद कम रह गया, और इन सब का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितना थोड़ा बहुत कम जानते हैं, हम सभी भारतीय लोग बहुत कम जानते हैं उसके बारे में जी, कि ये जो रेबेलियन होता है जिस इसमें 51 में शायद एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी एग्री कर लिया जाता है जिसमें चाइना क्लेम करता है, मुझे क्योंकि हमें तिब्बत से वो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि तिब्बतियन लोग जो तिब्बती लोग हैं उस चीज को लेकर क्या कहते हैं। फिर एक 56 में और एक 59 में बहुत बड़ा वो, जैसे तंजन ने अभी हमें जानकारी दी कि वो एक आत्मदाह जैसा एक रोल, लेकिन ये हिस्ट्री में ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि एक आर्म्ड रिबेलियन होता है और जिसमें हमें और बहुत बड़ा चाइना उसमें बड़ा बहुत जाने जाती हैं, लेकिन वो आज भी उस पर डिस्प्यूटेबल है कि कितने लोगों की जाने गई। तो ये सब होता है, और इस दौरान में शायद जितना जो मेरा ओपिनियन है, मैं शायद तेंजिन से ही सहमत हूँ कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी रही है, क्योंकि शायद तिब्बत से, जैसे इन्होंने कहा कि तिब्बत से कुछ बहुत लाभ दिखाई नहीं दे रहा था,
और चीन के साथ एक अपीजमेंट की पॉलिसी के पीछे, शायद बैकग्राउंड में ये भी आता है कि डिफेंस का जो बजट है, एक तरफ से हमें पाकिस्तान की तरफ अपना आर्थिक डिफेंस बजट रखना पड़ता है, तो दोनों तरफ रखने से उस तरह से शायद वो खर्चीला हो जाता है या चीन से कोई खतरा महसूस नहीं होता। बिफोर 62 वॉर में जब हम लोग भी अक्साई चेन हार जाते हैं और वापस नहीं ले पाते, कोई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तो इस बैकग्राउंड के बारे में मैं तंजन से चाहूंगा कि कुछ ये जो इसके इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में बताएं, थोड़ा विस्तार में हमें जो तिब्बतियन रेबेलियन है, उसके बाद जरूर अभी भी मेरे आगे चल के आज के लिए ये दो एक पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके लिए समय कम होगा, अगर समय होगा तो मेरे छोटे छोटे से एक दो प्रश्न और भी होंगे। समय जी सुरमीर साहब, आप असल में बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, पर आई एम वेरी न्यू टू दिस जूम थिंग, तो दैट्स व्हाई वो उस समय मैं आपको कर नहीं पाया, लेकिन समय का अभाव है। मैं तंजीन साहब से भी बोलूंगा कि सुरमीर साहब की जो भी बात है आप, मैं थोड़ा सा विरोध करते हुए कि थोड़ा संक्षेप में बताएं, क्योंकि और भी लोग हैं और हम लोग को एक नियत समय में इसे पूरा करना है, तो बाकी बल्कि आप आपके मेल के थ्रू और रिप्लाई के थ्रू भी आप इनको पर्सनली भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना आप बताइए। ठीक है, मैं बिल्कुल संक्षेप में और जितने जल्दी हो सके मैं उसको प्रश्न को जवाब देना चाहता हूं। और अगर यहां कोई भी है जिनको प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता है तो आप बेशक मेरे ईमेल से ही मुझे प्रश्न कर सकते हैं या मेरे फेसबुक से ही मैसेंजर से प्रश्न भी कर सकते हैं। अभी ये सुमित जी आपका ये बिल्कुल सही कहा आपने कि 1951 में 17-point एग्रीमेंट एक ऐसा एक घोषित किया जाता है चाइना, और उसके समय ये था कि चाइना की मिलिट्री तिब्बत में आ चुके थे 1950 में, और 51 में उन्होंने क्या किया कि तिब्बती लोगों उन्होंने मांग ये था कि दलाई लामा को चाइना बुला के और उनसे एक डिस्कशन करके किसी से दलाई लामा से ये मनवाना था कि पूरी तिब्बत चीन की हिस्सा है, और क्योंकि परम पावन जी नहीं गए थे, उन्होंने 5 दूतावासों को भेजे थे और उनके ऊपर चीनियों ने क्या किया कि उनको ये बोले गए थे अब इन तिब्बत को चीन के हिस्सा मानो और इन 17-point अग्रीमेंट से तिब्बत को पीसफुल लिबरेशन जो हम कर रहे हैं उसको मानो, अगर नहीं मानता है तो हम तिब्बत के ऊपर पूरा मिलिट्री कब्जा करेंगे और हमें पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों के जाने चले जाएंगे। ऐसा उनको डरावना ऐसा डर पैदा करके उन्होंने किसी तरह से तिब्बत को इन्हीं 5 दूतावासियों को ये मान किसी तरह से साइन करवाया, और वो भी इन 5 लोगों को दलाई लामा से बातचीत नहीं कराया और किसी तरह से पूरा फोर्स करके 1951 में मई की 23 तारीख ये 17-point अग्रीमेंट रखे गए थे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल the 17-point agreement which was enforced on the Tibetans, even that too without giving Tibetans any these representatives any chance opportunity to talk to their government. So ye karne ke baad ab uske baad then wo khud open directly radio mein ghoshit karta hai ki Tibet ne ab ye peaceful agreement jo maan liya hai aur aaj Tibet aur Chin ek desh hai, aisa मान लिया और ऐसा घोषित कर दिया। अब क्योंकि क्योंकि चीन नया देश कम्युनिस्ट कंट्री देश उभर के आए, सब लोग वही मान रहे थे जिस तरह से मैं कह रहे पहले से कह रहा था, भारत भी वैसे मान रहे थे, सब लोगों ने ऐसा ही माना। अब यही होता है जिनका ताकत मिलिट्री ताकत जिनकी परमाणु शक्ति और वो ज्यादा ताकत होता है वो जो कह रहे हैं वो सब पूरे देशों में ऐसा बातों ऐसा फैलाया और परम पावन जैसे जिस तरीके से जो 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 हो रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा इस तरीके से तिब्बत को ऐसा कब्जा किया है। अब ये तिब्बती लोगों की आर्म्ड रेजिस्टेंस जो है ये चलते रहे और मुझे खुद पता है मेरे पिताजी जो खम्पर रिबेलियंस में थे वो भी
चीन की विद्रोह करके उन्होंने सालों साल जंगलों में पहाड़ों में छिप के चीन को ऐसा जवाब दिया, बहुत लड़ाई हुए थे और ये जो चलते रहे 49 से शुरू हुआ जब तक 1972 में जब तक अमेरिकन सपोर्ट जो है वो बंद नहीं हुए, वो लड़ाई लगातार चलते रहे। अब ऐसे नहीं कि तिब्बती लोगों ने चीन की कब्जा करने की वो कोशिश और आक्रमण को जवाब नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने 1949 से लेकर 1982 तक ऐसा एक अंदाज से कहा जाता है कि 10 लाख तिब्बती लोगों के जाने चले गए उस आजादी की मांग की लहर से। अभी संक्षेप में इतना ही कहना, अभी और दूसरे प्रश्न है तो मैं जाऊँ। जैसे कि आज की इस पूरी शुरुआत में आपका जब मैं परिचय दे रहा था तो मैंने बोला था कि तेंजिन जो हैं वो एक कवि भी हैं, और अगर पूरी चर्चा परिचर्चा आपकी कविता के बिना खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से ये अधूरी रह जाएगी चर्चा। आपकी बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने देखी, और मुझे एक कविता आपकी बहुत अच्छी लगी, द तिब्बतन इन मुंबई। वो कविता इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उस कविता से हम सिर्फ एक तिब्बतन को नहीं बल्कि दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी जो पूर्वाग्रहों के कारण जो कुछ भेदभाव होता है वो इस कविता के जरिए हम लोग को समझ में आ जाता है। और मैं चाहता हूँ कि इस कविता के बारे में आप बताएं, और अगर हिंदी में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल होता है क्योंकि कविता का मर्म जो है वो एक भाषा से निकल के दूसरी भाषा में बड़ा बदल जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसकी थोड़ी बहुत इसके बारे में बताएं, इसके पीछे का भूमिका बताएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अभी आपके पास ये कविता हिंदी में है? अभी आपके पास है? नहीं, मेरे पास ये कविता अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है ठीक है। तो बात ऐसा हुआ था कि जब मैं बॉम्बे चले गए थे तब मैं तिब्बत जा चुका था। आप जैसे कि मैं पहले से कह रहा था कि मैं भले इंडिया में पैदा हुआ हूँ और यहीं से मद्रास से बीए किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया, और उससे पहले तिब्बती रेफ्यूजी स्कूल में मैंने पूरे स्कूल की शिक्षा सब वहीं से प्राप्त किया, तो सीबीएसई का करिकुलम था। और तो हमेशा ये सोच ये था कि मुझे भारत इंडियन लोगों के बीच में एक एक अवेयरनेस पैदा करना है हमारे तिब्बती संघर्ष के बारे में, और जिस तरीके से हमें ना सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देना कि ये भी कहना है कि हमारे मन में क्या हो रहे हैं, हम किस सोच से जी रहे हैं, और हमारे आजादी की उम्मीद के बारे में इसके बारे में कहना था। और क्योंकि हमारा स्कूल में शिक्षा की ये व्यवस्था जो थोड़ा कमजोरी है, तो किसी तरह से ना सिर्फ हिंदी में लिख पाया, अंग्रेजी में भी नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरा दोनों भाषाओं में उतना वो ताकत नहीं आए थे कविता लिखने के लिए। तो मद्रास से बीए किया, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखना को थोड़ा क्षमता आगे हैं, लेकिन कविता लिखना मैंने बॉम्बे से शुरू किया। जब मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था तब मैं तिब्बत जा चुका था, तिब्बत में जेल में रहे, चीनियों ने मेरे को आंखों में पट्टी बांधा, मारा पीटा और बहुत टॉर्चर किया, वह सब सहने के बाद उन्होंने लद्दाख बॉर्डर फिर वापस ले गया और लद्दाख से फिर वापस इंडिया कर दिया था। उसके बाद मैं बॉम्बे चले गए। तो जब मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में था तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं अभी अभी तिब्बत जाके चीनियों ने मारा पीटा और वापस भारत धकेल दिए गए थे, और मैं इतना गुस्सा और कंफ्यूजन भी था कि जिस देश को मैं अपना समझ रहा था उसी देश से चीनियों ने मेरे को धकेल करके वापस कर दिया। अब मैं यहाँ के भी नहीं, वहां के भी नहीं, और लिखना चाहता था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह था कि उसी बॉम्बे में जहां मैं एमए कर रहा था वहां कोई भी लोग ऐसा नहीं मिला जो मेरे चेहरे देख के ये पूछा था
कि आप तिब्बती हो क्या, ऐसे पूछने वाले एक आदमी नहीं था। सब ये बोल रहे थे नेपाली, ए चाइनीज, ए मणिपुरी, ऐसे ऐसे अलग अलग, और ज्यादातर लोग तो मेरे को चिंग चोंग जैकी चैन के ब्रदर ऐसे कुछ कह रहे थे। तो उसे एक 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 रिस्पॉन्स आता है कि मैं अपने आप को एक तिब्बती, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे लोग मुझे एक तिब्बती के नजरे से देखें, जो मुझे पता है वो नहीं होगा, इसीलिए वो कविता लिखें। तो उसमें मेरा और दूसरी लाइन ये था, आई एम मोर ऑफ एन इंडियन एक्सेप्ट फॉर माई चिंकी तिब्बतन फेस, वो एक लाइन लाइन आया था कि ये तिब्बती पहचान जो है सिर्फ मेरा चेहरे के नक्शा है, नहीं तो मेरा मन, मेरे भाषा, मेरे पॉलिटिक्स, मेरे एजुकेशन सब इंडियन ही है, और इतना इंडियन है कि आज मुझे इंडियन 5 अलग इंडियन लैंग्वेजेस आते हैं मुझे, जो कि ज्यादातर भारतीय वासियों में ऐसा नहीं है। मैं तमिल में बात कर सकता हूँ, मराठी थोड़ा समझ लेता हूँ, और हिंदी, इंग्लिश और टिबेटन बोल सकता हूँ। तो बोलने के बाद ये कि मैं ज्यादा आई एम मोर ऑफ एन इंडियन, ये बात आया है। तो ये जो कविता जो है वो ये होता है कि अपने मन, अपने मन, अपने सोच से, गहराओं से वो जो फील करता है वो भी शब्दों में इजहार हो जाते हैं। तो ऐसा एक कविता लिखा था द टिबेट इन मुंबई, where towards the end I am saying I am Tibetan, I'm not from Tibet, yet I dream of dying there. So एक ऐसा सोच ये था कि ऐसा लग रहे थे कि आज अब हम किसी तरह से तिब्बत जाना मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन चाहता ये हूँ कि मैं फिर भी तिब्बत जाए और मरे तो वही तिब्बत में ही। तो ऐसा एक सोच वो कविता में उतर के आए। लगभग एक घंटा हम लोग बात कर चुके हैं और वक्त के करीब पहुंच रहे हैं समापन के, पर बहुत सारे सवाल रह गए जो मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और ये भी खास बात है कि इस पूरे एक घंटे में पूरे आपके अनुभवों को एक घंटे में सीमित कर देना बहुत मुश्किल है। शायद मुझ में कमी है कि मैं उस हिसाब से मॉडरेट नहीं कर पाया, बट बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी थी, एक सवाल वो रह गया 90, जिसमें ये बोला गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट रूल दैट द नेशनलिटी ऑफ टिबेटन बोर्न इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1987 कैन नॉट बी क्वेश्चन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। तो उस पर मैं बात करना चाहता था। दूसरी जो मेरी बात थी वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि जब विद्रोह होता है तो चीनी कपड़ों सामानों का विद्रोह आप ने किया, कई आपके आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने देखा, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपसे ये मौका मिले कि इस वार्ता को और आगे बढ़ा जाए, तो इस तरह के विद्रोह जो होता है, क्योंकि अब भारतीय समाज में और भारतीय भारत में बहुत मुश्किल है इस तरह का प्रतिरोध करना, जहां तक मैं समझता हूँ। हालांकि मैं खुद अपने स्तर पे बहुत सारी चीजों का प्रतिरोध और विरोध करता हूँ, अपने जीवन में उसे ना ला पाऊं, पर जाने अनजाने आप प्रत्यक्ष रूप से वो सब चीजें कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं। तो क्या ये जो विरोध है चीनी सामानों का, ये क्या उसकी गांधी जी का विदेशी कपड़ों का जो विरोध था उसके समानांतर होता है? ये एक सवाल था जिसपे मैं चाहता था कि आप अपनी बात रखें। दूसरा मेरा ये था कि भारत और चाइना की जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली वो कैसे सॉल्व हो, आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब भारत का समीकरण चाइना से है और तिब्बत से एक अलग रिलेशन है, तो ये दोनों चीज को क्या अलग अलग करके देखा जा सकता है या कोई किसका अलग सोल्यूशन निकल सकता है? तो ये सब को सवाल था। तीसरा सवाल जो मैं आपको बस सवालों की लिस्ट बता रहा हूँ क्योंकि क्या क्या मेरे मन में था, जाहिर सी बात हो क्योंकि एक सवाल का जवाब बहुत सारा समय लेगा। जैसा कि हमारा आज का ये शीर्षक था कि 16 टाइम इन जेल आपके नाम के साथ, तो मेरा एक ये कहना है कि जब कोई भी समाज सेवी जेल में जाते हैं बार बार, तो इस पूरे प्रोसेस में उनके निजी जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम हर व्यक्ति तेंजिंग नहीं बन सकते, लेकिन निजी जीवन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इरोम शर्मिला वाले जो प्रकरण था और जिस तरीके से वो 16 साल रही और जो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा,
मुझे भी एक जानने की जिज्ञासा थी कि कोई एक समाज सेवी जो पूरा जिसने अपना जीवन का एक ज्यादा समय समाज सेवा में दे दिया, जेल गया, तो उसका उसके निजी जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब सवाल इस तरीके के हैं कि जाहिर सी बात है ये जो डिस्कशन है बहुत लंबा होना चाहिए, पर एक तो समय की से भी हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन जितना भी आपने बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक सवाल में ये भी जो एक बात ये भी मैं कंक्लूजन में जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह के साहब बताए कि मुंबई में जाके लोग आपको चीनी बोल सकता था, नॉर्थ ईस्ट का बोल सकता था या चाइनीज बोल सकता था, लेकिन तिब्बतन नहीं बोलता था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम सब बहुत सारी पॉपुलेशन, इवन कि मैं इस बात से कहने मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि बहुत सालों तक मुझे तिब्बत के बारे में नहीं पता था, और बहुत सालों तक मुझे ये पता था कि तिब्बत भारत का एक देश राज्य है, और लेकिन धीरे धीरे, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि तिब्बत के बारे में जानकारी का आदान प्रदान बहुत ही सीमित है। हम लोग जैसे आपके उसमें एक लेख में भी मैंने पढ़ा कि तिब्बत को लोग तिब्बतन ऊनी मार्केट के सर्विस के जरिए जानते हैं, कि ये लोग ऐसे हैं कि उनके कपड़े बेचते हैं, उसके अलावा तिब्बत का को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ पर आप हैं, और अब ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम है, तो अगर कल को कोई व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहेगा तो जो कुछ भी बात अभी आपने बताई हम लोगों को, तो बहुत लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल के साथ मैं पूरा समापन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप इस पे अपनी राय रखें। वो ये इस समय जो कोरोना का पूरा समय महामारी फैली हुई है और जिस तरीके से हर लोग एकदम त्रस्त हैं, उसमें मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात पे अपनी राय रखें कि सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्स इस कोरोना पीरियड में क्या होना चाहिए, एक्टिव सिटिजनरी क्या होना चाहिए सिविल सोसाइटी की भी, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे उनके दायरे को सीमित कर दिया है, हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, हम लोग प्रोटेस्ट एक जगह नहीं कर सकते, तो इस समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसके साथ ही मैं सभा का इस वार्ता का मैं समापन करना चाहूंगा इस जवाब के साथ। जी, तो ये एक्टिविज्म की क्योंकि हम एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, एक्टिविज्म की बात मेन ये होता है कि आम जनता में सरकार का अपना एक रोल होता है, अधिकारी होता है, और केंद्र सरकार यू नो या तो प्रदेश का अपना सरकार, और खास करके मोहल्ले मोहल्ले में भी एक कोई नेतृत्व लेता है, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती और लोगों को आगे आना आना होता है। तो एक्टिविस्ट का एक कार्यकर्ता का काम ये रहता है कि ऐसे मौके में लोगों को एक नेतृत्व सोच के एक नेतृत्व देना, और खास करके रास्ते में उधर के काम पे लगे रहना। ऐसे नहीं कि ये करने के बाद आपको कुछ तनख्वाह मिलेगा या आपको कुछ प्रमोशन मिलेगा या सरकार ने आपको करने को कहा है, ऐसा नहीं। वॉलंटेरिली आप, क्योंकि आपको लगा कि ये एक चीज है हमें करना है और सरकार को इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा करने में और लोगों की जितना जरूरत है जो उसको पूरा करने में कार्यकर्ताओं को आगे निकलना और काम करना, और कभी ये काम करते समय अपने अपने को मुश्किल भी सहना पड़ता है, और कभी त्याग बलिदान भी करना होता है, कभी कभी उससे अपने एक अलग नजरिए से भी लोग आपको देख सकता है, और कभी ये काम करने करते समय फिलहाल आपके ऊपर बुरी नजर से भी लोग आपको देख सकता है, भविष्य में बदल सकता है, और कभी कभी ये करते समय सरकार आपके खिलाफ भी और आपके ऊपर एक कारनामी कर सकते हैं, आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, और कभी तो सरकार आपको दुश्मन की नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर एक कार्यकर्ता की एक सोच है तो उसको ये होता है कि अभी और भविष्य के लिए जितना समुदाय के लिए काम करना है तो आपको त्याग बलिदान और सबसे पहले करुणा और प्यार से लोगों की सेवा में जुड़ जाना, और उसमें कितना भी त्याग और बलिदान करना है आपको खुशी से करके सामने आना, वो कार्यकर्ता का सबसे अहमियत ये सोच होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को
कार्यकर्ताओं को इस तरीके से करुणा से काम करना, ये बुद्धिस्ट का काम भी है और हिंदुओं का वही काम होता है और जो भी रिलीजन है सबका काम यही होता है, वो आगे आके काम करना है, उसमें कोई रिलीजन नहीं है। आप प्यार से कर रहे हैं, आप करुणा से कर रहे हैं, काम करते समय आपके ऊपर डेंजर है तो भी आप रिस्क लेके सामने आगे आना है। और खास करके अभी महामारी जिस तरीके से पूरी दुनिया में, खास करके हमारे देश में भारत में ये इतना तहस में कर रखे हैं, जितना भी हो सकते हैं अब आगे आके काम करना और लोगों को योगदान देना किसी तरह से, पैसे से या सामने आके सर्विस करने में या लोगों को नेतृत्व देना या कोऑर्डिनेशन करना, किसी तरह से आगे आना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ कुछ ऐसे बातें कही हैं, अगर उनमें से अगर आपके सामने मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना हो तो ये वेबसाइट है फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत के बारे में जानकारी देता है, friendsoftibet.org, उसमें देखिए जानकारी मिलेगा। और मेरे कुछ लेख हैं वो एक दूसरी अलग वेबसाइट है tibetrights.in, tibetrights.in, tibetrights.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरा, क्योंकि मैं किताब लिखता हूँ, कविता किताब छपाता हूँ, मैं खुद छपाता हूँ, खुद बेचता हूँ, अगर आप में से कोई भी किताब लेना चाहते हैं, मैं 50 रुपए में किताब, एक है किताब कोरा नाम का, वो बेचता हूँ, अगर आप में से कोई दिलचस्पी लेता हो किताब लेना है 50 रुपए में तो मैं बेचता हूँ, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको ये किताब पोस्ट से भेज सकता हूँ, वो 50 रुपए में है। और तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं ये अपना मन बातें जो मैं यहाँ समापन करना चाहता हूँ। शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप जी और सब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया आप सबके सामने तिब्बत के बारे में रखना, बात रखना, और जिस तरीके से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, ये सब बातें आप सबके सामने रखना, और ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो बाद में भी कोई भी लोग तिब्बत के बारे में जानकारी लेना वो हिंदी में, तो ये बात रखा हूँ, ये लोग भी फिर से सुन सकते हैं और ये शेयर भी कर सकते हैं, अब जितने ज्यादा हो सके उसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पता चले भारत में, क्योंकि ये एक इमरजेंसी भी है, अगर भारतीय वासियों में तिब्बत के बारे में जानकारी नहीं है तो हम किसी तरह से हिमालय को बचा नहीं सकते। लोगों के बीच में हिमालय और तिब्बत के बारे में जानकारी जीरो है, और इसका मेन रीजन ये है क्योंकि पहले भारत चीन से दोस्ती करना चाहते थे और 62 वॉर के बाद भारत चीन से डर थे, इसीलिए किसी तरह से पूरे इतिहास में भारत की कोई भी टेक्स्ट बुक्स में तिब्बत के बारे में एक जिक्र नहीं है, जबकि तिब्बत भारत की सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री है और भारत की सबसे लंबा बॉर्डर्स तिब्बत से है, पाकिस्तान से नहीं है, तिब्बत से हैं, और ये होने के बावजूद भारत की कोई भी टेक्स्ट बुक्स में तिब्बत को एक अपना नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश के नजरिए से नहीं देखा, और टेक्स्ट बुक्स में ऐसा एजुकेशन नहीं है, इसीलिए शशांक जी आपको भी पता नहीं चले, जबकि सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद और सबसे लंबा बॉर्डर होने के बावजूद उसके बारे में एक जिक्र इंडियन टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, इसीलिए अभी हमें एक इमरजेंसी होता है सब लोगों को ये बताना और तिब्बत के बारे में बताना, उससे अब चीन के बारे में उस किस तरह से पता चलेगा, इतना ही बोलना था, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेंजिन साहब और जितने लोग आज इस वार्ता में सम्मिलित हुए, प्रवीण जी, अनिल जी, राजकुमार जी, जितने लोगों को मैं देख सकता हूँ जिन लोगों ने अपने सवाल पूछे, अब ये सिलसिला हम चाहते हैं कि आगे भी जारी रहे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हम लोगों को आपके माध्यम से पता चलती रहे। दोनों वेबसाइट जो तेंजिन साहब ने आप लोगों को बताई है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस वेबसाइट पर जाएं, तिब्बत को समझें, तिब्बत के लोगों के अधिकारों के बारे में जानें और इस मुहिम से जुड़ें तिब्बत के अधिकारों के लिए, क्योंकि उनकी लड़ाई ही हमारी लड़ाई है, उनकी पीड़ा में हम अपनी पीड़ा देखना चाहिए हमें।
इन सब चीजों के, इन सभी बातों के साथ मैं आज का ये परिचर्चा है उसका समापन करना चाहूंगा। माननीय संदीप जी से करना चाहूंगा कि एक इसी तरीके की एक लाइव स्वतंत्रता सेनानी सेनानियों पर रखी जाए, ये हमारा सुझाव है, कैसा रहेगा आप लोग बताएं। जी 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 जी, ये सुझाव हमारा माननीय संदीप जी है। संदीप जी तो आज अभी उपलब्ध नहीं है अनिल जी, पर इस पर आपसे सवाल है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ संदीप पांडे जी सर पीजीआई से निकल चुके हैं और अभी 15 मिनट के अंदर हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे, तो हम ये लाइव चलती रहे, फिर बात चलती रहे, क्या दिक्कत है? नहीं, एक मीटिंग हम लोगों की और होनी है जो परसों हुई थी हेल्थ वाली जी। ये नहीं, आज के लिए अनिल जी